हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हो। सो इस बार मैं बता रहा हूँ कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग जिसमें आपको दे रहा होगी एक लो एंगल फोटो एडिटिंग होने वाली है। सो इसमें आप मतलब एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। मैंने एक यानी फोटो एक लो एंगल से फोटो क्लिक करी थी एंड उसका बैकग्राउंड चेंज करा है। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने है और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना और पूरी वीडियो को ज़रूर देखना तभी आपको वीडियो में एडिटिंग पता चलेगी। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यानी फोटो है मतलब ये बैकग्राउंड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसे डाउनलोड कर लेना होगा। सो इसकी मैंने रिटचिंग करी है। सो आप देख सकते हैं पहले कुछ इस तरह का बैकग्राउंड है एंड उसके बाद हमारा कुछ इस तरह का बैकग्राउंड बन गया। सो अगर आपको ये पता नहीं कैसे करते हैं ये रिटचिंग, सो इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। सो बात करें इस वीडियो की, सो इसको आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में से इसे डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद इसको पिक्सआर्ट में ओपन करना है। सो ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस पर हम अपनी फोटो एडिट करेंगे। सो यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ टूल में चलता हूँ। सो इस फोटो को मैंने ड्रॉ टूल में ऐप का मतलब ड्रॉ टूल में इसे ऐड कर लिया है। सो यहाँ पे एक लेयर होती है, इस पर हम अपनी फोटो ऐड करेंगे और उसका बैकग्राउंड ऑलरेडी मैंने क्लियर कर लिया है। आपको ये भी नहीं पता कि कैसे मतलब क्लियर करते हैं, सो यार क्या कर रहे हो, मतलब डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको पता चलेगा कि कैसे वीडियो मतलब बैकग्राउंड कट करते हैं। सो यहाँ से मैं इसे थ्री डॉट पर जाकर ट्रांसफॉर्म पर करके इसको यहाँ से मैं एडजस्ट कर लूँगा अपनी फोटो के हिसाब से, मतलब बैकग्राउंड के हिसाब से इस फोटो को एडजस्ट कर लूँगा। सो यहाँ पे एडजस्ट हो गया है ये। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक कंप्यूटर लेयर बनाऊंगा यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट इसे इरेज करूँगा। यहाँ से मैं दिखाता हूँ, साइज सेलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ से हल्का सा पार्ट इरेज करूँगा ताकि ये फेक लग रहा है। सो अभी बेटर लग रहा है। सो मैं यहाँ से एक कंप्यूटर लेयर चूज करूँगा, इस लेयर पर हम क्या करेंगे शेडो बनाएंगे। तो इस लेयर को मैं फोटो के नीचे रखूँगा एंड उसका मतलब साइज सेलेक्ट करूँगा, पेंसिल का साइज फुल रखेंगे ऊपर से 10 के करीब। ओके आप देख सकते हैं ये, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर शेडो बनाऊँगा सिंपली। सो कुछ इस टाइप से मतलब इस टाइप की शेडो बनेगी क्योंकि हमारी सनलाइट आ रही है उस उधर की साइड से, राइट साइड से। सो हमारी लेफ्ट साइड में शेडो बननी है। सो यहाँ पे ये डन हो चुकी है लगभग। सो मैं इसका दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। सो अब इसमें क्या करूँगा, यहाँ से इसे डन कर लूँगा फोटो को। सो शेडो बनने के बाद आपको अब जाएंगे हम ऐड फोटो पे। ऐड फोटो के बाद आपको ये फोटो है मतलब एक पीएनजी है। सो इसको मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड, यहाँ से सबसे पहले रेड वाले का इसका स्क्रीन करूँगा ब्लेंडिंग मोड। ओके एंड इसको मैं अपने फेस के थोड़ा सा ऊपर रखूँगा एंड इसका जो लाइनें आती हैं इसको यहाँ पे हल्की से दिख नहीं रही, अगर आपके फोटो में आती है तो इसको सिंपली आप इरेज कर लेना। सो अब दूसरे वाले पीएनजी को लगाते हैं, लेकिन इसको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करेंगे, लेकिन इसकी ओपोसिटी सबसे पहले हम हल्की कर लेंगे एंड इस वाले को भी लगा लेते हैं। सो ये डन हो चुका है। अब जल्दी से चलते हैं ड्रॉ टूल में और फोटो को अपनी सेव करते हैं यहाँ से HD में। सो गाइस मैंने फोटो को लाइटर में ओपन कर लिया है। सो इसका सबसे पहले हम एक्सपोजर बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे, हाईलाइट हल्की सी बढ़ाएंगे, शेडो बढ़ा देंगे, वाइट कम कर देंगे एंड उसका ब्लैक कम कर देंगे। ओके एंड जाएंगे फिर हम मिक्स टूल पे, यहाँ से फेस का कलर हम यहाँ पे माइनस सेचुरेशन कर देंगे इसकी एंड ल्यूमिनेस बढ़ा देंगे, ऑरेंज कलर मतलब येलो कलर की सैचुरेशन -100 एंड ल्यूमिनस 600 कर देंगे। इसी तरीके से ह्यू भी कर देंगे, ग्रीन की माइनस एंड ब्लू कलर आप ज़्यादा भी रख सकते हैं अपनी फोटो के हिसाब से। मेरे को इसमें मैंने ब्लू क्लोथ पहने तो इसको मैं माइनस रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसे डार्क फेड रेड दे दी है। सो इसको यहाँ से मैं दोनों कलर की सैचुरेशन -100 रखूँगा। ओके सो डन करते हैं। आप टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ से वार्म टोन में लेंगे तो उसको प्लस कर देंगे और टिंट माइनस कर देंगे एंड उसके बाद वाइब्रेंस बढ़ा देंगे फोटो की और सेचुरेशन कम कर देंगे। सो फोटो के अंदर क्लियरिटी नहीं दिख रही आपको फोटो में, सो इसके लिए क्लियरिटी को बढ़ा देंगे एंड इसके डिलेस बढ़ा देंगे। सो इनको मैं 10-10 रखता हूँ दोनों को। सो विग्नेट बढ़ा दिया मैंने इसका, कम कर दिया मतलब। सो मैं जाऊँगा, आप देख सकते हैं फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। सो स्प्लिट टोन में आके मैं यहाँ पे हाईलाइट को कलर दूंगा कुछ येलो स्टोन में एंड उसका शेडो कर दूंगा कुछ ब्लू स्टोन में एंड इसका यहाँ से इसका बैलेंस चेक कर लूँगा। ओके सो यहाँ से इसे डन करते हैं। अब यहाँ से मैं सबसे पहले कर्व टूल पे जाने से पहले मैं फोटो के अंदर ग्रीन अमाउंट डाल दूंगा, शार्पनिंग बढ़ा दूंगा फोटो की ताकि ज़्यादा मतलब शार्प हो जाए फोटो और उसका नॉइस रिडक्शन बढ़ा दूंगा। सो अब कर्व टूल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट बनाऊंगा यहाँ पे कुछ एंड इसके बाद मैं यहाँ से नीचे से इसे ऊपर मतलब नीचे की साइड से इसे ऊपर उठाऊंगा ताकि फोटो के अंदर एक फेड लुक आ जाए, आप देख सकते हैं। सो इसके बाद इसे डन करते हैं एंड अब जाएंगे हम सिलेक्टेड टूल में। सो यहाँ से मैं नीचे से इसमें ग्रेड मारूंगा। सो ग्रेड मारने से यार फोटो में एक अच्छा सा लुक आ जाता है। सो इसको मैं देखिए इस तरीके से ग्रेड मारूँगा, आप देख सकते हैं फोटो में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ गया है।
सो इसमें ग्रेनेड मारते हैं एंड उसके बाद हल्की सी इसकी क्लियरिटी बढ़ा देंगे। सो अब मैं फेस पर सर्कल मार दूंगा, सो इसका एक्सपोजर बढ़ा देंगे एंड एक सर्कल में सन जो लाइट बनाई थी हमने वहाँ पे पिछाड़ा यहाँ पे कर दूंगा। सो इसके बाद फोटो में हमें डन कर देंगे यहाँ से। सो सबसे पहले यहाँ पे एक शेडो बना लेंगे जो हमने बनाई थी पिक्सार्ट के अंदर, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। सो इसे यहाँ से डन करता हूँ मैं अब, ताकि अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है भी है। सो मैं दिखाता हूँ पहले कुछ हमारी फोटो इस तरीके थी एंड जब हमने कलर ग्रेडिंग नहीं करती एंड कलर ग्रेडिंग करने के बाद लाइट रूम के अंदर ब्लैक टोन एडिटिंग करने का, सो हमारी फोटो कुछ इस तरीके की बन गई। सो गाइस मेरे को तो काफ़ी अच्छी लग रही है फोटो एडिटिंग, आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, मतलब बताना वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि फोटो एडिटिंग कैसी लगी। ओके, और आपको कुछ सीखने को मिला जरूर से लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। सो बाकी जो जो मैंने चीज़ें इसमें यूज़ करी उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सो बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।